डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में पी जीरो से लेकर पी सिक्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे हम लोग अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हमारे पास पी सेवन सेवन्थ प्रॉपर्टी जो है वो बचता है, उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी को अप्लाई करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक के ही एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन हम लोग चूज किए हैं। ओके, तो इसको जानने के लिए हम लोग इवन ऑड फंक्शन को समझने का कोशिश करेंगे और उसी से बेस करते हुए हम लोग ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले हमको इवन फंक्शन को समझना पड़ेगा। इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है, ये दो फंक्शन को हम लोग समझेंगे। यहाँ इवन फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन एफेक्स है, जैसे एफेक्स है हमारा, कोई एक फंक्शन लेते हैं एक्स क्यूब, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा ना, माइनस एक्स का क्यूब यानी हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ओके, यानी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और जो कि हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और इवन फंक्शन में क्या होगा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कि एक्स साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स साइन एक्स, यानी सेम फंक्शन एफ एक्स रह जाएगा। तो ये फंक्शन होता है इवन फंक्शन, एक्स साइन एक्स इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में क्या अंतर हुआ ना, इवन फंक्शन में हरदम एफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम रहता है, ठीक है। तो इवन फंक्शन में हमारे पास क्या होगा ना, ये याद रखना है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब इसको इवन फंक्शन, कौन कौन फंक्शन है, इवन नाम से ही हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, इवन पावर ऑफ एक्स, ये इवन फंक्शन होता है। और कौन है इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में है कि हमारा कॉस एक्स इवन फंक्शन है, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, ये सभी कॉस फंक्शन इवन होता है, क्या कि कॉस माइनस एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, ओके, इवन फंक्शन होता है। और उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल भी इवन फंक्शन होगा, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक क्यूब एक्स, ये इवन फंक्शन होगा। और उसी से हमारा एक्स का इवन पावर है इवन फंक्शन, तो एक्स का ऑड पावर दैट इज एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फाइव, ये सभी ऑड फंक्शन होता है। और क्या है, कॉस एक्स तो हमारा इवन फंक्शन, लेकिन हमारा साइन एक्स क्या है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, इसलिए साइन एक्स ऑड फंक्शन है। लेकिन वही साइन स्क्वायर एक्स जब करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और स्क्वायर हो जाने से प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा इवन फंक्शन, और साइन एक्स हो जाएगा ऑड फंक्शन, ऑड पावर ऑड फंक्शन बताएगा, और इवन पावर साइन का जितना होगा ये हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली टेन एक्स ऑड फंक्शन होगा, टेन क्यूब एक्स ऑड फंक्शन होगा, और लेकिन हमारा टेन का इवन पावर जब लेंगे, टेन स्क्वायर एक्स, टेन पावर फोर एक्स, ये इवन फंक्शन हो जाएगा, और 10x, 10 क्यूब एक्स, ये सभी ऑड फंक्शन होगा। ओके, ऑड फंक्शन, ये सभी इवन फंक्शन। सिमिलरली 10 का रेसिप्रोकल cot x भी हमारा, cot x, cot क्यूब एक्स, ये भी हमारा ऑड फंक्शन होगा। और जबकि इवन पावर जब ले लेंगे, cot स्क्वायर x, cot पावर 4x, ये सभी हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। और कौन है, sin 10 cot, sec cos sec, cos sec हमारा क्या है, cos sec ऑड फंक्शन है, क्या कि साइन ऑड फंक्शन, तो कॉसेक भी ऑड फंक्शन, कॉसेक एक्स, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा,
कॉस सेक इज करेक्ट, इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन पावर हो जाने से इवन फंक्शन हो जाएगा, कॉस सेक फोर एक्स ये इवन फंक्शन, और ऑड पावर ले लेंगे तो ऑड फंक्शन। ओके, तो ये हमारा नाम के अनुसार कॉस सेक क्यूब, कॉस सेक फाइव, ऑड पावर ऑड फंक्शन, इवन पावर इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमारा साइन हो गया साइन कॉस सेक टेन कॉट, टेन कॉट ये सभी हमारा ऑड फंक्शन होता है, साइन टेन कॉट कॉस सेक ऑड फंक्शन। लेकिन उसी में अगर इवन पावर ले लेंगे साइन स्क्वायर साइन फोर एक्स, तो ये हमारा इवन फंक्शन, टेन स्क्वायर एक्स टेन फोर एक्स ये इवन फंक्शन, और इस तरह से। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर हम लोग मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देखते हैं तो क्या होगा, मान लो एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन और दूसरा फंक्शन भी इवन है, तो दोनों इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन ही रहेगा। ओके, इवन फंक्शन हो जाएगा, रिजल्ट इवन फंक्शन देगा। लेकिन इवन फंक्शन के साथ अगर ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, नहीं इवन फंक्शन में हमारा माइनस, तो माइनस एफ माइनस एक्स सेम एफ एक्स रहेगा, तो यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, ये भी एफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स। ऑड फंक्शन में एक माइनस बार आएगा, ये भी माइनस, दो माइनस, इवन में प्लस ही रहेगा, माइनस में ऑड में माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। अब दोनों ऑड फंक्शन है, मान लो दोनों ऑड फंक्शन है इनटू ऑड फंक्शन, तो क्या होगा, ये नहीं ऑड फंक्शन से माइनस बार रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इवन फंक्शन बन जाएगा। ये सभी चीज को ध्यान दे देखना है। तो इसी से क्लियर है कि साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हमारा इवन फंक्शन है, साइन सेवन एक्स क्या होगा, साइन टू द पावर सेवन एक्स, साइन एक्स साइन क्यूब एक्स साइन फाइव एक्स साइन सेवन एक्स सभी ऑड फंक्शन होगा, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स क्या होगा, एक्स कॉस एक्स, एक्स तो हमारा ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, और इसलिए ऑड इवन मिला के हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्या कि एफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, दैट इज हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन, जैसे एफ एक्स इज सम कॉन्स्टेंट, मान लो फाइव है या वन है, तो एफ माइनस एक्स क्या होगा ना, उतना ही रहेगा, यानी हो जाएगा एफ एक्स और एफ माइनस एक्स सेम वैल्यू देगा, यानी ये भी हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, एफ माइनस एक्स इज सेम एफ एक्स, तो इवन कॉन्स्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है। क्लियर हो गया, अब हम लोग पी सेवन को समझते हैं। पी सेवन क्या है, पी सेवन ऐसा है कि अगर हमारा पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब होगा, जब एफ एक्स होगा व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन माने क्या हुआ, इवन फंक्शन दैट मींस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट वैल्यू जीरो टू ए हो जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है ना, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ओके, ये हमारा पी सेवन है। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ क्या होगा ना, यूजिंग पी टू, पी टू प्रॉपर्टी क्या है ना, पी टू प्रॉपर्टी है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ना, ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ये होता है जब ए बी सी बी सी के अंदर होगा, ए और सी के अंदर होगा। तो ये हमारा पी टू है। इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ना, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एन एफ एक्स डी एक्स। इसका यूज करेंगे, पी टू का यूज करेंगे, पी टू दैट इज दिस, इसको यूज करेंगे। वी हैव हम लोग क्या पाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए टू ए है तो माइनस ए टू जीरो जीरो टू ए। अब फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, फॉर फर्स्ट इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे ना, टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी बैठा देंगे। तो डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी बैठा देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, तो लिमिट वैल्यू क्या होगा, एक्स अगर माइनस ए होगा तो टी हो जाएगा, माइनस ए होने से टी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक्स अगर जीरो होगा तो टी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो और एफ एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस टी, और डी एक्स के जगह पर क्या होगा, माइनस डी टी, ओके। तो प्लस जीरो टू एम एफ एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट इंटीग्रल में वेरिएबल को टी के जगह एक्स बैठा देंगे, और ये माइनस को हटाकर ए टू जीरो है, जीरो टू ए कर देंगे। तो ये हो जाएगा जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एम एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा ना, एफ माइनस एक्स के जगह एफ एक्स, माने ट्वाइस हो जाएगा, ओके। और ऑड अगर है तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो माइनस और प्लस कट के ये जीरो। इसको और एक स्टेप लिख देते हैं, नाउ व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन तो क्या होगा, फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर वन बिकम्स क्या होगा ना, माइनस ए टू एम एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एम जीरो टू ए एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ओके, इवन फंक्शन में। अब ऑड फंक्शन होने से क्या होगा, ऑड फंक्शन होने से वन बिकम्स व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन तो क्या होगा ना, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और देयरफॉर वन बिकम्स क्या हो जाएगा ना, वन हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो माइनस एफ एक्स, जीरो टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए, और इस तरह से प्लस माइनस जीरो, ओके। तो इवन फंक्शन होने से माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा जीरो, इवन फंक्शन में हो जाएगा। यानी जब इवन फंक्शन होगा तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो जाएगा ट्वाइस एफ एक्स जीरो टू ए, और अगर ऑड फंक्शन है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो कि क्या होगा ना, जीरो हो जाएगा,
क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से क्लियर हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू जीरो होगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ना माइनस पाई बाई टू टू प्लाई पाई बाई टू साइन टू द पावर 7x dx। यह क्या है, ना हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7x। तो f माइनस एक्स क्या होगा, इंटीग्रेंड जो है एफ एक्स, तो इंटीग्रेंड में x के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इस तरह से ये माइनस रह जाएगा, यानी दिस इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स। देयरफॉर साइन टू द पावर 7x क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन टू द पावर 7x हो जाएगा इज एन ऑड फंक्शन। देयरफॉर साइन टू द पावर 7x का इंटीग्रेशन माइनस ए माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगा जीरो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो इवन फंक्शन में क्या करेंगे, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हियर एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, यानी एफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। साइन स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, तो ये माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये साइन स्क्वायर एक्स यानी एफ एक्स हुआ। तो एफ एक्स क्या हो गया, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स जो एफ एक्स है इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रल माइनस 90 टू प्लस 90 क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, नहीं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x 0 टू पाई बाई टू। अब 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई टू, लिमिट वैल्यू 0 टू पाई बाई टू। तो पहले पाई बाई टू बैठेंगे, पाई बाई टू और sin 2 इंटू पाई बाई टू दैट इज sin पाई, sin पाई तो 0 होता है, माइनस sin पाई बाई टू, और जीरो बैठाने से क्या होगा, जीरो माइनस साइन जीरो 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 बाई टू, और यानी ये हो जाएगा पाई बाई टू आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से इवन फंक्शन होने से लिमिट वैल्यू आधा हो जाएगा, जीरो टू ए माइनस ए टू ए को जीरो टू ए हो जाएगा, और हमारा ये फंक्शन का इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, और ऑड फंक्शन हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस ए टू प्लस ए होने से ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कौन है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, हम देख रहे हैं एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स एक्स ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन मिला के ऑड फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स भी ऑड फंक्शन, 10 टू द पावर 5x भी ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर दे रहे हैं, और 1 का इंटीग्रेशन 1 इवन फंक्शन है, पाई बाई टू डी एक्स 1 इंटू डी एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, और इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ना ये इवन फंक्शन है ट्वाइस 1 इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई टू, यानी हो जाएगा 2 इंटू एक्स 0 टू पाई बाई टू दैट इज 2 इंटू पाई बाई टू दैट इज पाई आंसर। ओके, और यहां अगर दिखाना है इवन ऑड फंक्शन, तो हियर एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स
प्लस 10 टू द पावर 5x, तो f माइनस x क्या होगा ना, माइनस x का क्यूब, तो माइनस x क्यूब, माइनस x इंटू कॉस माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस x कॉस x, ओके। और 10 5x ऑड फंक्शन हो जा रहा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 10 माइनस x माइनस हो जाता है, तो माइनस x क्यूब प्लस x कॉस x प्लस 10 टू द पावर 5x, और इस तरह से ये माइनस 5x यानी हो गया x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 टू द पावर 5x इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, और इसलिए क्या होगा ना, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन x क्यूब x cos x 10 टू द पावर 5x ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगा 0, और ये 1 है कांस्टेंट फंक्शन है ना, 1 एफ एक्स इज 1 इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 इज एन इवन फंक्शन, और इसलिए क्या होगा माइनस 90 टू प्लस 90 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 1 का इंटीग्रेशन यानी 2 इंटू एक्स 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज पाई, ओके। और इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं, समझा सकते हैं, ये क्लियरिफाई कर सकते हैं, और ये हमारा हिसाब बन गया, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग इसका और भी क्रिटिकल प्रॉब्लम सबको सॉल्व करते हैं, ओके। ओके, थैंक यू।